नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कंपनी जो आपको फ्री में शेयर देने जा रही है। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो निश्चित है आपके लिए बहुत बड़ी लॉटरी है। पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था और अभी आपको उन सारे शेयर्स को बताएंगे जो इसमें आपको लॉटरी आगे लग रही है। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर नहीं है तो गिरावट में कभी भी मिलता है तो ज़रूर बाय करें, क्योंकि गिरावट के बाद रिकवरी होगी और उसके बाद बोनस आपको मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स ये आपको पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जो बोनस शेयर है वो स्प्लिट के रूप में आपको मिलेगा। कहने का हम स्टॉक स्प्लिट सिर्फ कहेंगे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो एक बोनस के जैसा ही है। जो स्टॉक स्प्लिट होता है इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो बोनस शेयर होता है उसमें फंडामेंटल्स में चेंज होता है, क्योंकि जो बोनस आपको शेयर देती है कंपनी, तो रिजर्व कैश को, जो रिजर्व कैश होता है कंपनी पर, उससे बोनस शेयर को जनरेट करती है, जनरेट करके अपने शेयर होल्डर को देती है नया शेयर। लेकिन जो स्प्लिट होता है उसमें कोई भी फंडामेंटल्स में चेंज नहीं होता, सिर्फ फेस वैल्यू मतलब उस रेशियो में घटता है जिस रेशियो में स्प्लिट कर रहा है, और फेस वैल्यू जैसे डिक्रीज किया तो उसके साथ साथ प्राइस भी उसी रेशियो में डिक्रीज हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपको उसी रेशियो में इंक्रीज हुआ। तो बोनस और स्प्लिट ये सब आपको एकदम बारीकी से समझना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा कंपनी है, जो कंपनी आपको आगे स्प्लिट दे सकती है, वो है आयसर मोटर। अभी बहुत लंबा वक्त है, महीना दो महीना भी लग सकता है, तो एक वन मंथ टू मंथ आफ्टर हो सकता है इसका स्प्लिट हो। तो ऐसे में आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि गिरावट में जब भी मिलता है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिए। आप देखते हैं इसमें जो गिरावट आया था ये 13,000 के आसपास आया था, तो ऐसे भी 15,000 उससे नीचे मिलता है तो आपको इन्वेस्ट इसमें कर लेनी चाहिए। और जब स्प्लिट होगा तो एक शेयर हो जाएगा आपका 10 शेयर, एक शेयर 10 शेयर। अगर 15,000 प्राइस है इसका तो कितना हो गया, 15,000 प्राइस है तो एक शेयर मात्र 1500 का आपको पड़ेगा, 1500 का पड़ेगा। तो जब ये 1500 का हो जाएगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हो जाएगा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर में ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा इस शेयर के प्रति कि आयसर मोटर का शेयर है जो कभी 30,000 रुपये का हुआ करता था। तो काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो प्राइस लगातार ऊपर जाएगा, तो आपका जो प्राइस है वो 10 गुना बढ़ेगा। एक शेयर खरीदे हैं लेकिन 10 शेयर हो गया, 10 गुना बढ़ेगा आपका प्राइस। तो ये फ़ायदा होता है हमारा स्प्लिट से जो आपको फ्री शेयर मिलता है या बोनस से जो फ्री शेयर आपको मिलता है। तो पहला आयसर मोटर हो गया। दूसरा जो शेयर जिसमें आपको स्प्लिट होने जा रहा है, इसमें आपको इसका फेस वैल्यू आप देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको लुरुज लैब में कॉर्पोरेट एक्शन में चलते हैं और इसका यहाँ पर देखिएगा स्प्लिट, इसका भी स्प्लिट होना है और इसका जो फेस वैल्यू है अभी फेस वैल्यू, तो यहाँ पर देख लीजिए फेस वैल्यू इसका है 10, फेस वैल्यू कितना है 10। तो ये भी आपको स्प्लिट करने जा रहा है तो इसमें भी आपको फ्री शेयर मिलेंगे। तो लुरुज लैब इसमें भी आपको फ्री शेयर मिलने वाले हैं, स्प्लिट हो रहा है शेयर, तो ये भी शेयर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ साथ इसमें तेज़ी 20% का। तो 20% का तेज़ी अभी भी बना रह सकता है, क्योंकि जो कंपनी का रिजल्ट है वो उसके प्रॉफिट में 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 10 टाइम्स इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट 10 टाइम्स। उसके बाद जो है हमारा जो बोनस शेयर देने जा रही है आपको वो है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड ये भी काफ़ी बेहतरीन से, ये भी आपको बोनस शेयर देने जा रही है। तो आपको इसमें अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आपको करेक्शन वाले प्राइस पर मिले तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको मात्र 2-3 दिन है इसमें, 3 दिन है, 3 अगस्त 4 अगस्त और 5 अगस्त को बाय कर सकते हैं, तो आप इसके बोनस का फ़ायदा ले सकते हैं। सबका डेट देख लेते हैं, तो आयसर मोटर डेट अभी फिक्स नहीं है, ये स्प्लिट होने जा रहा है 10 से 1 रुपया फेस वैल्यू में। लुरुज लैब में अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कि कब आपको इसका आएगा डेट। उसके बाद जो अगला है हमारा माधव इंफ्रा, इसका 6 अगस्त है एक्स बोनस डेट, मतलब 5 अगस्त तक आप बाय कर सकते हैं। तो आज है 1 अगस्त, मतलब आप 3 अगस्त 4 अगस्त और 5 अगस्त 3 दिन आप इसका शेयर बाय करते हैं तो आप इसके जो बोनस है उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन बोनस शेयर जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़्यादा बेनिफिट्स करता है, जो पहले से इसमें होल्ड किए होंगे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं आपको शेयर के प्राइस में गेन नहीं प्राप्त होता है बल्कि उसमें और करेक्शन आ जाता है तो आपके लिए घाटे का सौदा है। वो आप नीचे के प्राइस पर बाय करेंगे उतने ही रुपया में ज़्यादा शेयर, तो अगर शेयर में गेन मिलता है तब बोनस शेयर फायदा करता है। ऐसे सिर्फ प्राइस में गेन नहीं मिलने से बोनस शेयर कोई फ़ायदा नहीं करने वाला है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का चीज़ है। आप किसी भी स्टॉक, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, वो शेयर आपको खुद ब खुद बोनस देगा, ना कि आप जो शेयर बोनस अभी दे रहा है उसमें जाके इन्वेस्ट करें।
अभी जैसे इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका अभी बोनस इसका जो स्प्लिट डेट है काफ़ी मतलब आगे होने वाला है, तो इसमें आपको गेन मिलेगा तब बोनस मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तब आपको बोनस शेयर काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए।